नोटबंदी से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी पुराने नोटों को बदलने की थी। जब तक पुराने नोट बदले गए, बैंकों के सामने लंबी कतारें, देर रात तक भीड़, सुबह लंबी लाइनें देखी जा रही थी। ना जाने कितने ही लोग ऐसे थे जो लंबी लाइनों के कारण बैंकों तक गए ही नहीं। अगर आप उनमें से एक हैं और आपके पास 500 या 1000 के पुराने नोट अभी भी हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। खबरों के मुताबिक जुलाई के अंतिम सप्ताह तक सुप्रीम कोर्ट का इस विषय पर फैसला आ सकता है, जिसके बाद लोगों को नोट बदलने का एक और मौका मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद यानी जुलाई में तय करेगा कि जो लोग उचित कारणों से नोट नहीं बदल सके, क्या उनके लिए सरकार को और मौके दिए जाने के लिए कहा जाना चाहिए या फिर नहीं। खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो वो सभी के लिए होगा। दरअसल 30 दिसंबर से पहले नोट जमा नहीं कराने के मामले में दर्जन भर से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट के सामने आई हैं। एक याचिका में तो याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अपनी 66.80 लाख रुपए की रकम बैंक में केवाईसी नहीं होने से जमा नहीं करा सका, इसलिए कोर्ट अब इस मामले में लोगों को हित में ध्यान में रखते हुए फैसला ले सकता है।